और ये है हमारे पास 15 केजी का चॉपर। हेलो फ्रेंड, इसमें निकले हैं 200 कट और ये ब्रैकेट है और ये गाइड है। जिस ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे आप, एल्युमिनियम का अगर डोर होगा उसके बॉर्डर के साइडों में लगेगा इस तरीके से। और ये हमारा इस पल्ले के लिए हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये दो ब्रैकेट हैं हमारे, ये ड्रॉर में, और ये हमारे एल्युमिनियम के पल्लों के लिए। तो ये हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि हम वुड के पल्लों में लगाएंगे इन्हों को। आपको दिखा देता हूँ ये ब्रैकेट इसमें लग जाता है तो वो किस तरीके से निकलेगा। ये इस तरीके से निकलता नहीं है। और ये हमारा गोदरेज का चॉपर है, इस हमने इसके लिए कील ले ली। अब हम इसको पिन को निकाल देते हैं। हमारा इसमें निकल गया और फिर से हम इसे वापसी लगा देते हैं। क्या हमारा अब इसमें लग गया। हम लगाते हैं अभी इस ब्रैकेट को। ये हमारा पल्ले पे लगेगा, ऊपर से आएगा ये 70 mm और साइड से हम लगा देते हैं 1 इंची। ये हमारा 70 mm और साइड से ले लेते हैं हम इसको 1 इंची। और इस ब्रैकेट को हम रख देते हैं 70 mm के सेंटर में और साइड से हटा लेते हैं इसको 1 इंची। हम इसको लगा लेते हैं 25 mm पे। ये जैसा हमारा लगा हुआ है 25 mm और ऊपर से जितना आपको पल्ला रखना है आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो। जितना आपको पल्ला उठाना है आप इसे जितना उठाओगे उस हिसाब से जहाँ पे ये आएगा, उस हिसाब से जहाँ पे ये आपका पल्ला आएगा जितना ऊंचा उठाना है इसको उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे इसको लगा दीजिए। और ये 25 mm का निशान है, इसे आप इसके सेंटर में रखिए। हमारे से पेज भर गए, अब हम इसे चला के देखते हैं। ये पट्टी हमने इसने लगा रखी क्योंकि एक बंदे को पकड़ने के लिए चाहिए थे, इसलिए पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सॉकर इस पर लग चुका है, हम इसको नीचे करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड की जो 1 इंची की जो चौड़ाई है वो आप इसके हिसाब से रखोगे। आपका अगर फुल टक्कर पर चढ़ रहा है तो आप देख लीजिए कितना इंची आ रहा है। इस तरीके से जैसे 1 इंची आ रहा है आप इसमें 1 इंची लगा दीजिए ऊपर, आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में।